नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ प्रीति सिंह और इस वक्त की अहम खबरों के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ कल से होगी संसद के बजट सत्र की शुरुआत। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा आम बजट। 15 फरवरी तक चलेगा सत्र का पहला भाग। बजट सत्र का दूसरा भाग 8 मार्च से 8 अप्रैल तक। कोरोना को काबू में करके भारत ने दुनिया को त्रासदी से बचाया। दावोस विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, कहा मेड इन इंडिया वैक्सीन से कई देशों को मिला फायदा। वैश्वीकरण को नए सिरे से मजबूत करेगा आत्मनिर्भर भारत। बॉर्डर पर हर चुनौती से निपटने में सक्षम है भारत। दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी रैली में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत अभियान में एनसीसी कैडेटों की भूमिका को सराहा। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किला और आईटीओ सहित 9 स्थानों पर हुई हिंसा की जांच करेगी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच शाखा। 33 FIR में नामजद 44 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घायल पुलिसकर्मियों से की मुलाकात। और देश के 146 जिलों में बीते 7 दिनों से कोविड 19 का एक भी नया मामला नहीं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उच्च स्तरीय मंत्री समूह की बैठक में दी जानकारी। देश में कोरोना से रिकवरी दर करीब 97%। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। बजट सत्र की शुरुआत 29 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ होगी। देश के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब अभिभाषण के दौरान सांसदों के बैठने के लिए संसद के केंद्रीय कक्ष के अलावा राज्यसभा और लोकसभा में भी व्यवस्था होगी। वहीं राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। 2 हिस्सों में चलने वाला बजट सत्र 8 अप्रैल तक चलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद की केंद्रीय कक्ष में 29 जनवरी को सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी पर सीधे प्रसारण के लिए 30 कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें से 9 कैमरे सिर्फ केंद्रीय कक्ष में लगे होंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान संसद के केंद्रीय कक्ष में 144 सांसदों की बैठने की व्यवस्था होगी। इनमें केंद्रीय मंत्रियों के अलावा राज्यसभा और लोकसभा की विभिन्न समितियों के अध्यक्ष, अलग अलग राजनीतिक दलों के सांसद, पूर्व प्रधानमंत्रियों और बीजेपी और कांग्रेस के अध्यक्ष शामिल होंगे। कोविड 19 के मद्देनजर सांसदों की बैठने की व्यवस्था लोकसभा और राज्यसभा में भी होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे शुरू होगी, जिसमें अहम सरकारी कामकाज को निपटाया जाएगा। राज्यसभा की सभापति एम वेंकैया नायडू ने महासचिव देश दीपक वर्मा और सचिवालय के दूसरे अधिकारियों के साथ बजट सत्र की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया है कि मंत्रियों के निजी कर्मचारियों, राज्यसभा के सदस्यों और संसद में आने वाले मंत्रालयों के अधिकारियों का भी कोविड टेस्ट किया जाएगा। बजट सत्र को लेकर राज्यसभा की सभापति एम वेंकैया नायडू ने 31 जनवरी को उच्च सदन के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन लोकसभा में सुबह 11 बजे वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करेंगी। इस बार पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। यूनियन बजट मोबाइल ऐप के जरिए सांसद और आम जनता बजट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पा सकेंगे। लोकसभा में आम बजट पेश होने के 1 घंटे बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन राज्यसभा में बजट की प्रति सभा पटल पर रखेंगी।
पिछले मानसून सत्र की तरह इस बार भी संसद के दोनों सदनों में बैठकें अलग अलग पालियों में होंगी। 29 जनवरी और 1 फरवरी को छोड़कर राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से 2 बजे तक होगी, जबकि लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए राज्यसभा की बैठकें राज्यसभा चेंबर, राज्यसभा गैलरी और लोकसभा चेंबर में आयोजित की जाएंगी। इसके तहत 57 सदस्यों को राज्यसभा चेंबर में बैठाया जाएगा और 51 सदस्यों को राज्यसभा दीर्घाओं में बैठाया जाएगा। 132 सदस्यों को लोकसभा कक्ष में बैठाया जाएगा। बजट सत्र के दौरान कुल 33 बैठकें होंगी। राज्यसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही होगी। राज्यसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक चलेगी। बजट सत्र से पहले राज्यसभा के कुल 1,208 अधिकारियों और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट किया गया। कोरोना महामारी के दौर में संसद का ये दूसरा सत्र है। इससे पहले मॉनसून सत्र भी विशेष इंतजामों के साथ आयोजित किया गया था। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और बजट सत्र से पहले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में हुई मुलाकात में दोनों नेताओं की कई मुद्दों पर चर्चा हुई। विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद के कार्यक्रम को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को संबोधित करते हुए उन्होंने कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई और विकास संबंधी पहलुओं और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया भर के निवेशकों के लिए तैयार है। इसके लिए कॉरपोरेट और श्रम कानूनों में पर्याप्त सुधार किए गए हैं। दुनिया के उद्योग जगत के 400 से अधिक प्रतिनिधियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को संबोधित किया। उन्होंने कोरोना से लड़ाई में भारत की उपलब्धियों और कोरोना वैक्सीन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत दवाओं और वैक्सीन के क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया की मदद के लिए सक्षम है। अब भारत अपने 1.3 बिलियन नागरिकों को हेल्थ केयर के इजी एक्सेस के लिए यूनिक हेल्थ आईडी देने का भी अभियान शुरू कर रहा है। और साथियों, मैं आज इस प्रतिष्ठित फोरम पर सभी को यह भी आश्वासन देता हूं कि भारत की हर सफलता पूरे विश्व की सफलता में मदद करेगी। भारत के पास ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है और सबसे बड़ी बात रिलायबिलिटी भी है। भारत के पास आज बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है और उसका जितना विस्तार होगा उतना ही ग्लोबल इकोनॉमी को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया में विनिर्माण और सप्लाई चेन हब बनने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने निवेशकों के लिए भारत व्यापार में आसानी का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2040 तक इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेशकों के लिए $4.5 ट्रिलियन के निवेश के अवसर हैं। उन्होंने कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में भी आगे बढ़ रहा है। बीते वर्षों में भारत ने रिफॉर्म्स और इंसेंटिव बेस्ड स्टिमुलस पर बहुत जोर दिया है। कोरोना के इस समय में भी भारत ने करीब करीब हर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की गति को तेज किया है। इन रिफॉर्म्स को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स के से सपोर्ट किया जा रहा है। अब भारत में टैक्स रिजिम से लेकर एफडीआई नॉर्म्स तक एक प्रिडिक्टेबल और फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति लगातार बेहतर हो इस दिशा में भी काम जारी है। और एक विशेष बात यह भी है कि भारत अपनी ग्रोथ को क्लाइमेट चेंज के लक्ष्यों के साथ भी बहुत तेजी से मैच कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के समय में भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर में लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरू किए और एम्प्लॉयमेंट के लिए विशेष स्कीम चलाकर इकोनॉमिक एक्टिविटी को बनाए रखा था। इसी दौरान भारत ने 760 मिलियन से ज्यादा लोगों के बैंक खातों में 1.8 ट्रिलियन रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर किया। ये भारत के मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ताकत का उदाहरण है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सेवा में राष्ट्रीय कैडेट कोर की भूमिका की सराहना की। दिल्ली में आज एनसीसी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीसी कैडेट्स की भूमिका को बढ़ाया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सेनाओं की ज्यादातर जरूरतों को भारत में ही पूरा किया जा सके, इसके लिए सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत रक्षा उपकरणों के बड़े बाजार के बजाय एक बड़े निर्माता के रूप में जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में एनसीसी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट्स की भूमिका को और व्यापक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए भी एनसीसी की भागीदारी बढ़ाई जा रही है। पिछले वर्ष 15 अगस्त को ये ऐलान किया गया था कि कोस्टल और बॉर्डर एरिया के करीब 125 जिलों में एनसीसी को नया दायित्व दिया जाएगा। इसके लिए लगभग 1,00,000 एनसीसी कैडेट्स को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ट्रेन कर रही है। इसमें भी 1/3 हमारी गर्ल्स कैडेट हैं। गर्ल्स कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। एनसीसी की ट्रेनिंग उसकी क्षमताओं को भी सरकार तेजी से बढ़ा रही है। अब तक आपके पास सिर्फ एक फायरिंग सिमुलेटर होता था, इसे अब बढ़ाकर 98 किया जा रहा है, करीब 100। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र सेवा में एनसीसी कैडेट्स की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मविश्वासी युवा बहुत जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि कैडेट्स ने कोरोना महामारी समेत प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की बढ़ चढ़कर मदद की है। बाढ़ हो या दूसरी आपदा, बीते वर्ष एनसीसी के कैडेट्स ने मुश्किल में फंसे देशवासियों की राहत और बचाव में सहायता की है। कोरोना के इस पूरे कालखंड में लाखों लाख कैडेट्स ने देश भर में जिस प्रकार प्रशासन के साथ मिलकर, समाज के साथ मिलकर काम किया है, वो प्रशंसनीय है। इससे पहले प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने एनसीसी के विभिन्न अंगों के मार्च पास्ट का निरीक्षण किया। उत्तराखंड डायरेक्टरेट लेड बाय सीनियर अंडर ऑफिसर अखिल उनियाल। एनसीसी कैडेट्स ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए विभिन्न क्षेत्र में अपनी क्षमताएं भी दर्शाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्कृष्ट एनसीसी कैडेट्स को पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और एनसीसी के महानिदेशक भी मौजूद थे। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा से उपजे हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर रखे हुए हैं। इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली के अस्पताल पहुंचकर गणतंत्र दिवस के दिन किसानों के ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना। गृहमंत्री पहले सिविल लाइन स्थित सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर गए। वहां उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। इसके बाद गृहमंत्री तीरथ राम शाह अस्पताल भी गए। वहां भी घायल पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों से मुलाकात की। किसानों के ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा की घटनाओं में करीब 394 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। वहीं दिल्ली में 26 जनवरी पर हिंसा के मामले में कार्रवाई की शुरुआत हो गई है।
दिल्ली पुलिस अब तक 33 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। पुलिस ने एफआईआर में दर्ज 44 लोगों को लुकआउट नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लाल किला, आईटीओ और 7 अन्य जगहों पर हुई हिंसा से संबंधित मामलों की जांच करेगी। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए देश देशांतर रात 8:30 पर सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। डू यू नो विच एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट क्रिमिनलाइजेस ट्रिपल तलाक? योर ऑप्शंस आर ए द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, बी मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, सी मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, एंड डी नन ऑफ द अबव। सी द करेक्ट आंसर टुनाइट एट 9:30 PM ओनली ऑन राज्यसभा टेलीविजन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत ने वैश्विक स्वास्थ्य संकट के दौरान कोविड वैक्सीन की आपूर्ति के साथ अन्य देशों के कार्मिकों को भी प्रशिक्षित किया। कोविड पर गठित उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 23वीं बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने वैश्विक समुदाय का मित्र होने के नाते स्वदेश में बने टीके की आपूर्ति करके उनका विश्वास अर्जित किया है। देश में कोरोना की स्थिति की जानकारी देते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पिछले 7 दिनों में 146 जिलों में कोई नया मामला नहीं आया है। वहीं देश भर में कोविड मरीजों की संख्या घटकर सिर्फ 1,73,000 रह गई है। उन्होंने बताया कि इंग्लैंड से आए कोरोना के नए स्ट्रेन के अब तक 165 मामले सामने आए हैं और इन लोगों को क्वारंटीन और निगरानी में रखा गया है। टोटल नंबर ऑफ केसेस दैट वी हैव डायग्नोस्ड इन द कंट्री इन द लास्ट 1 ईयर, दिस नंबर इज 1,07,1,193. The good news is that out of this already 1,73,606 patients who suffered from COVID, they returned back home completely cured from our health systems. And right now in the country we have 1,73,740 active cases. Our recovery rate is almost touching 97%. देश में अब तक 25 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में टीकाकरण अभियान शुरू होने के 6 दिनों के अंदर ही 10 लाख लोगों को टीका लगाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि 26 जनवरी तक भारत टीकाकरण कवरेज प्रदान करने में 5वें स्थान पर रहा है और अगले कुछ दिनों में 3रे स्थान पर पहुंच जाएगा। हमारा देश फास्टेस्ट था टू रीच द फर्स्ट 1 मिलियन वैक्सीनेशन। भारत में ये 6 दिन में हुआ, US में 10 दिन में हुआ, स्पेन में 12 दिन में, इसराइल में 14 दिन में, UK में 18 दिन। हम जिन आंकड़ों की तुलना कर रहे हैं वो 50 दिनों के आंकड़े हैं कुछ देशों के मामलों में और भारत के मामले में 11 दिन के आंकड़े हैं। तो अगर इन आंकड़ों को देखें तो हम 5वें नंबर पर हैं। 26 जनवरी को थे 5वें नंबर पर। 2.03 मिलियन हमने वैक्सीनेशन 26 जनवरी तक किए थे अन्य देशों के मुकाबले में। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में फिलहाल 9,000 केंद्रों पर वैक्सीन देने की प्रक्रिया चल रही है और अब तक 25 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। 16 जनवरी के बाद से देश में लगातार वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही लाभार्थियों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। लक्षद्वीप में अब तक 83% स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा चुका है। वहीं ओडिशा और हरियाणा में 50% से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन हो चुका है। देश में 25 लाख से ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मी जिनको हम हेल्थ केयर वर्कर्स भी कहते हैं का वैक्सीनेशन किया जा चुका है।
तो जिस दिन ये कार्यक्रम शुरू हुआ 16 जनवरी को, उस दिन हमने 3,374 वैक्सीनेशन सेशंस किए अक्रॉस द कंट्री, देश भर में, और 2,00,000 से कुछ ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। 19 जनवरी को हमने ये संख्या बढ़ाई और 3,800 सेशंस किए। 22 जनवरी को ये बढ़कर 6,200 सेशंस हो गए। 25 जनवरी को पूरे देश में 7,700 स्थानों पर टीकाकरण की प्रक्रिया की गई, और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो देश में 9,000 स्थानों पर वैक्सीनेशन सेशंस हो रहे हैं, यानी 9,000 स्थान ऐसे हैं जहां की कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड से भारत के 4 करीबी देशों में टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। मॉरिशस, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश ने भारतीय वैक्सीन से टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है। वहीं मिशन मैत्री के तहत आज श्रीलंका और बहरीन को वैक्सीन की खेप सौंपी गई है। भारत सरकार की ओर से श्रीलंका को 5,00,000 वैक्सीन की खेप सौंपी गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके श्रीलंका को भरोसेमंद साझेदार और विश्वसनीय मित्र बताया। उन्होंने कहा कि श्रीलंका को कोविड-19 टीकों का ये उपहार भारत की वैक्सीन मैत्री पहल के तहत भेजा गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को धन्यवाद दिया है। वहीं बहरीन को 10,800 वैक्सीन की डोज भेजी गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके कहा कि यह हमारे लंबे समय से चले आ रहे भाईचारे और मानवीय सद्भाव को दर्शाता है। भारत की ओर से अब तक 11 देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जा चुकी है। वहीं कैरेबियाई देश, डोमिनिका, लैटिन अमेरिकी देश, बोलीविया समेत 50 से ज्यादा देश वैक्सीन पाने के लिए भारत से संपर्क में हैं। लद्दाख सीमा पर चीन के साथ तनाव के बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शांति स्थापित करने के लिए 8 सूत्रीय प्रस्ताव दिया है। उन्होंने आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए अलग से 3 सूत्रीय समझदारी विकसित करने की भी सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि एशियाई शताब्दी की सफलता तभी संभव है जब भारत और चीन इन बातों को मानते हुए मिलकर काम करें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में 13वें ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ चाइनीज स्टडी को संबोधित किया। ये स्वीकार करते हुए कि भारत और चीन के संबंध अभी तनाव की स्थिति में हैं, विदेश मंत्री ने आपसी रिश्तों को पटरी पर लाने के लिए चीन को 8 सूत्रीय आचार संहिता का पालन करने की सलाह दी है। प्रस्ताव में जिन विषयों को शामिल किया गया है उनमें पुराने समझौते का पूरी तरह से पालन किया जाए, वास्तविक नियंत्रण रेखा में कोई एक तरफा परिवर्तन न किया जाए, सीमा पर शांति के बाद ही अन्य क्षेत्रों में संबंध बेहतर हो सकते हैं, बहुध्रुवीय दुनिया के साथ साथ चीन बहुध्रुवीय एशिया की बात भी स्वीकार करे, दोनों देशों को एक दूसरे के हितों को भी समझना होगा, दोनों देश एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील हों, दोनों देशों को दीर्घकालिक समझदारी के साथ काम करना होगा। एनी एक्सपेक्टेशन दैट दे कैन बी ब्रश्ड असाइड एंड दैट लाइफ कैन कैरी ऑन अनडिस्टर्ब्ड डिस्पाइट द सिचुएशन एट द बॉर्डर, दैट्स सिंपली नॉट रियलिस्टिक। देयर आर डिस्कशंस अंडरवे थ्रू वेरियस मैकेनिज्म्स on disengagement at the border areas. But if ties are to steady and progress, policies must take into account the learnings of the last 3 decades. Experience of the past taught us the importance of stabilizing our relationship even while adjusting to changes. From that, we can seek proper guidance that will be to the benefit of both nations. Now, these can be summed up by 8 broad propositions. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ कहा कि भारत और चीन के संबंध पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगे, इसलिए दोनों देशों को सकारात्मक तरीके से एक दूसरे की ताकत को समझते हुए काम करना होगा। इसके लिए दोनों देशों को आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हितों को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना होगा। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के पदभार संभालने के बाद कल पहली बार भारत और अमेरिका के बीच उच्च स्तरीय संपर्क हुआ। एक तरफ अमेरिकी रक्षा मंत्री सेवानिवृत्त जनरल लॉयड ऑस्टिन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अपने अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन के साथ वार्ता हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भारत और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई। राजनाथ सिंह ने जनरल लॉयड को मंत्री बनाए जाने पर बधाई भी दी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल अपने अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन के साथ टेलीफोन पर
बातचीत की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अजीत डोभाल ने कहा कि भारत और अमेरिका पारदर्शी और समावेशी विश्व व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मिलकर काम करने की स्थिति में हैं। इनमें आतंकवाद की रोकथाम, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता समेत अन्य क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। जैक सुलिवन ने कहा कि अमेरिका द्विपक्षीय एजेंडे और समान वैश्विक चुनौतियों पर कोविड महामारी के बाद भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर है। आज महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती है। इस मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश समेत कई अन्य पार्टियों के नेताओं ने लाला लाजपत राय की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लाला लाजपत राय को याद किया और उपराष्ट्रपति ने ट्वीट संदेश में कहा कि लाला जी के ओजस्वी भाषणों और लेखों से क्रांतिकारियों की एक पीढ़ी को स्वाधीनता के लिए जागृत किया। लाला लाजपत राय जी ने स्वदेशी अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए पंजाब नेशनल बैंक और स्वदेशी पूंजी से बीमा कंपनी की स्थापना में योगदान दिया। लाला जी ने देशी शिक्षा के प्रसार के लिए डीएवी विद्यालयों की स्थापना में सहयोग किया। सामन कमीशन के खिलाफ स्थानीय जनता को प्रेरित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान अमिट है और पीढ़ियों के लोगों को प्रेरित करता रहेगा। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। लाहौर में सामन कमीशन के विरोध में एक प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हुआ था। राजधानी दिल्ली में विजय चौक पर कल बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए खास तैयारियां की गई हैं। मधुर धुनों से सराबोर ये समारोह हर साल 29 जनवरी को विजय चौक पर 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है। 26 जनवरी को राजपथ पर आयोजित हुए गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह के बाद अब तैयारी है बीटिंग रिट्रीट की। दिल्ली के विजय चौक पर शुक्रवार शाम बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन होगा। ये समारोह भारतीय धुनों से सराबोर होगा। ऐतिहासिक विजय चौक पर कई प्रस्तुतियों में सेना, नौसेना, वायुसेना, राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बैंड मनोरम संगीत के साथ दर्शकों को उत्साहित करेंगे। इस वर्ष की बीटिंग रिट्रीट समारोह में कुल 60 बुगलर्स, 17 ट्रम्पेटर्स और 60 ड्रमर भाग लेंगे। पंजाब रेजिमेंट के 20 और राजपूताना राइफल्स के 20 बैंड भी समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा राजपूत रेजिमेंट के 25, बिहार रेजिमेंट के 19 और गोरखा रेजिमेंट के 7 बैंड भी उत्सव का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान पर भारत की 1971 की जीत के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस बार बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए खास तैयार की गई स्वर्णिम विजय की नई धुन भी बजाई जाएगी। बीटिंग रिट्रीट हर साल 29 जनवरी को विजय चौक में 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और खबरों में फिलहाल इतना ही। संसद के बजट सत्र पर आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें, अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।